देखिए फ्रेंड्स, थाली ढके थे, थाली उगाड़ दी हैं और देखिए ये पूरी अच्छी तरह से भुना चुका है। देखिए बहुत अच्छा बना है। अब ऐसा बनाने से ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगता है, जितना लगता है उतना नहीं लगता है। अब नीम का पत्ता है तो थोड़ा तो कड़वा लगेगा, इसमें कोई दुमत नहीं है कि कड़वा ना नहीं लगेगा। करेला का आप कितना भी अच्छी तरह से बना लो, करेला है तो कड़वा तो लगेगा ना, इसी तरह ये भी थोड़ा कड़वा लगेगा लेकिन अच्छा लगेगा खाने में, मुंह साफ लग जाएगा तो खाने से एकदम अच्छा लगेगा, फ्रेश लगेगा। देखिए ये बन चुका है। अब जा रहे हैं हम दाल भात चढ़ाएंगे, उसके बाद में आप लोग को दिखाते हैं, खा के बताएंगे कैसा बना है। और देखिए मेरा बेटी क्या कर रही है, सब सामान को गिरा पड़ा रही है। ऐसा नहीं करो, टूट जाएगा। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक स्वस्थ और मस्त होंगे। देख सकते हैं आज हम लोग के कुछ नया तरीका का सब्जी बनाने के लिए तैयारी करने जा रहे हैं। चलिए आप लोग को दिखाते हैं वो क्या चीज़ है। दोस्तों आज हम लोग नीम का अभी फूल रहा है, नया पत्ता निकला है, बहुत ही कड़वा बहुत होता है लेकिन उसे खाने से उसे खुजली उजली नहीं होती है और जो अंदर का जो कुछ कुछ बीमारी होता है वो दूर हो जाता है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि आज नीम का छोटा नया पत्ता होता है वो, या फिर उसका फूल होता है वो, जो मिलेगा उसी को तोड़ेंगे और आप लोग के साथ शेयर करेंगे कि उसका सब्जी कैसे बनता है, इतना कड़वा सब्जी को कैसे खाया जाता है, किस तरह से बनाया जाता है जो वो कड़वा ना लगे। चलिए आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप लोग को पता चले कि वो कैसे बनाया जाता है। दोस्तों देखिए मेरी बेटी भी जा रही है और यहाँ हम लोग का देखिए कितना सारा टमाटर उमाटर लगा हुआ है, देखिए ढेर सारा है, देख सकते हैं वीडियो में आप लोग को दिख रहा होगा। देखिए ढेर सारा टमाटर है, पूरा पका पका है, आधा आधा कच्चा भी है। देखिए अरे कांटा है, लग जाएगा। देख सकते हैं फ्रेंड कितना सारा टमाटर का एकदम गुच्छा गुच्छा है। फ्रेंड चलिए हम लोग जाते हैं नीम का पेड़ तरफ। देखिए नीम का पेड़ तो बहुत ही बड़ा है, अब हम लोग वहाँ पहुँच पाते हैं या नहीं, कि हम लोग को ऐसे ही वापस आना पड़ता है, पता नहीं, लेकिन चलिए कोशिश करते हैं तोड़ पाते हैं या नहीं, देखते हैं। बुलबुल क्या बोलेगी, बोलो, तोड़ना है नीम पत्ता? तोड़ना है ना, कैसे तोड़ेंगे, ये तो बहुत ऊँचा में है। हाँ देखो कितना ऊंचा पेड़ है फ्रेंड, ये पेड़ तो बहुत ही ऊंचा लग रहा है, हम लोग इसे किस कैसे तोड़ेंगे। देखिए ये, देखिए नीम का पेड़ है, देखिए आगे भी है उधर भी है, देखिए ये लाइन में पूरा नीम का पेड़ ही है, ये झाड़ी सब पूरा है देख सकते हैं, और एक नीम का पेड़ यहाँ पे है, इसमें तो डाले नहीं हैं, पता नहीं कैसे तोड़ेंगे, आज बहुत दिनों के बाद है। क्या हुआ, नहीं कुछ होगा। देखिए फ्रेंड इधर गेहूं का खेत था, उसे गेहूं वहूँ काटने के बाद में खेत को पूरा जला दिया गया है ताकि ये जो घास है वो खाद के रूप में यहाँ बन जाए और अगले साल खेती ज़्यादा अच्छा से हो, इसके वजह से देखिए पूरा खेत में जलाग लगा दिए हैं। और नीम पेड़ के पास पहुँच चुके हैं और यहाँ तो आग लग गया है पेड़ में भी, कैसे तोड़ेंगे। देखिए पेड़ भी ये खेत के जलाने से पूरा झुलस गया है और ये पेड़ में भी थोड़ा थोड़ा आग लग गया है, और कितना अच्छा था यहाँ पर, कैसे तोड़ेंगे पता नहीं, लेकिन देखते हैं आगे है। इसमें भी वही हाल है, अब लगता है मन को मारना पड़ेगा, लेकिन देखते हैं किसी प्रकार अगर सक जाएंगे तो अच्छी बात है, जो मिले उसी से काम चलाएंगे, नीम का पत्ता हो या नीम का फूल हो, जो मिलेगा वही तोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का ही बनता है। सेंस तो बहुत अच्छा आ रहा है, एकदम नाक पूरा कैसा हो जा रहा है। फ्रेंड देखिए कितना ऊंचा पेड़ है, आप लोग देख सकते हैं। अब इस पेड़ से हम लोग का नीम का पत्ता निकालना है, कैसे निकालेंगे आप लोग बताइए हमें, और वीडियो में बने रहे फ्रेंड, हम लोग इसको निकालने का कोशिश करते हैं, फिर आप लोग को दिखाते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड हम लोग नीम का पत्ता को कैसे तोड़े, मेरे को समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा है क्योंकि वहाँ पेड़ बहुत ऊंचा है और मुझे चढ़ने में थोड़ा डर लगता है,
लेकिन कुछ तो उपाय लगाना पड़ेगा। चलिए देखते हैं क्या उपाय हो सकता है। ओ कैमरामैन थोड़ा पीछे चलो, पीछे चलो कैमरामैन, पीछे चलो, गिरना मत। देख सकते हैं मेरी बेटी बनी है कैमरामैन। और कैसे कैसे तोड़े, कैसे कैसे तोड़े, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। नीम का पत्ता तो खाने का मन बहुत है, लेकिन इसको तोड़े कैसे, कैसे तोड़े कैमरामैन, कुछ आइडिया बताइए। लकड़ियाँ लाना पड़ेगा, लकड़ियाँ ढाई ढाई मारना पड़ेगा, ढाई ढाई मारना पड़ेगा। हाँ। ओके, इसके लिए कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। बड़ा सा लकड़ी डांग लाना पड़ेगा, डांग तो यहाँ डांग कहाँ मिलेगा। मैं आगे चलिए आगे। चल मैं क्या करूँगी, जो मत नहीं आ रहा है। चलो टूटे बुल्ला टूलेंगे, टूटे बुल्ला, चलो टूटे वाला टूलेंगे, टूटे वाला। क्या हुआ? देख सकते हैं फ्रेंड, हम लोग तो बड़ा पेड़ में नहीं पहुंच पाए, लेकिन देखिए ये छोटा पेड़ है, इसी का थोड़ा सा दो चार पत्ता ही काफ़ी है सब्जी बनाने के लिए। और चलिए इसको तोड़ते हैं हम लोग। छोटा छोटा को ही तोड़ना है, बड़ा बड़ा को नहीं। हाँ रुक जा। पत्ता तोड़ दिए, इतना ही सा नीम का पत्ता बहुत सारा हो जाएगा, ये ढेर सारा हो जाएगा। देख सकते हैं हम लोग, देखिए यहाँ से तोड़े, वो बड़ा पेड़ तो बहुत ऊंचा है और सामने वाला पूरा आग से झुलस गया है, इसके वजह से हम लोग वहाँ का नहीं तोड़े। और देखिए यहाँ का तोड़े, ये छोटा सा पेड़ था, इसी का तोड़ लिए दो चार, इतना में काफ़ी हो जाएगा। देखिए ढेर सारा है और इसे खाने से बहुत सारे विटामिन मिलते हैं और शरीर में खुजली फुंसी या फिर शुगर की बीमारी, खून मीठा हो जाता है, खुजली होता है, वो सब नहीं होता है। इसे साल में एक बार खाना चाहिए। आप लोग को इसे बना के भी बताएंगे कि किस तरह से इसे बनाने से कड़वा नहीं लगता है। फ्रेंड हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें और इसे देखें पूरा वीडियो, और एक बार आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि ये खाने में दिखने में भले ये कड़वा है, लेकिन खाने में बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा, क्योंकि ये रेसिपी ही ऐसा ही है कि बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा। आप लोग वीडियो में देखें बने। देख सकते हैं फ्रेंड, हम लोग नीम का पत्ता को तोड़ लिए हैं और देखिए यहाँ पे छुपा लिए हैं कि देखिए वहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ है, वो कहीं हम लोग को डांटे ना इसके लिए। हालांकि वो तो देख लिया है, लेकिन पूरा इतना भी ज़्यादा नहीं दिखाना है कि गाली सुनना पड़े। चलिए जाते हैं, क्या बोलते हैं सुनते हैं। वो तो कुछ बोलेंगे नहीं, चुपचाप बैठे रहते हैं। चलिए बुलबुला रे बुलबुला, मुझको बाहुला। देख सकते हैं फ्रेंड बुलबुल क्या खा रही है। और देखिए हम लोग नीम का पत्ता को बन काट रहे हैं और इसमें आलू डालेंगे, इसको भुंजिया बनाएंगे, इसको मसाला नहीं डालेंगे वरना तो और कड़वा हो जाएगा। इसका भुंजिया बनाएंगे देखिए। और अब देखिए फ्रेंड हम लोग काट लिए नीम का पत्ता को, थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है, ये तो क्या बोले कोई दवा जैसा है, लेकिन यही बहुत काम का चीज़ है। इसमें हम लोग डालेंगे आलू काट के, एक ही आलू काफ़ी है, दो आलू बहुत आलू को छिल के इसका इसको काटेंगे पतला पतला। और यहाँ देखा, यहाँ ऐसा, ठीक है।
देखिए फ्रेंड, हमारा कैमरामैन बहुत ही बेकार मम्मी, है। क्या भूख लगी है? खाना ढूंढ आलू। आलू? आलू खाएगी? ओके, तो इसका अभी आलू भी खाएंगे और पत्ता खाएंगे। पत्ता? पत्ता खाएगी तरह ना, का दवा से भी ज्यादा कड़वा है। ठीक है, देख सकते हैं फ्रेंड, हम लोग नीम का पत्ता को तभी तोड़ के ही लाए थे, बाकी घर का सारा काम खत्म करके अभी हम लोग देखिए नीम का पत्ता और आलू दोनों को काट लिए हैं। अभी जा रहे हम लोग बाहरी खाना बनाएंगे, क्योंकि अंदर बहुत गर्मी पड़ती है, रात में सोने में बहुत दिक्कत होता है, मच्छर भी बहुत काटता है, इसकी वजह से खाना हम लोग को बाहरी बनाना पड़ता है। चलिए अभी चूल्हा जला लेते हैं और अभी इसका सब्जी बना लेते हैं। इसको भुजिया बनाएंगे और दाल भात बनाएंगे, क्योंकि मम्मी क्या भूख लगी है, ये भुजिया में ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसका सब्जी बनाएंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा कड़वा हो जाएगा। क्या भूख लगी है? इसमें ज़्यादा कुछ नहीं जाता है, उसको लहसुन मिर्च और नमक जाता है। क्या भूख लगी है? भूख लगी है, ठीक है। इसका चटनी भी बनता है टमाटर के साथ में, पहले इसको भूंज के रख लेना पड़ता है और फिर टमाटर को पका के उसमें इसको सानना पड़ता है मस्त एकदम, सरसों का तेल लहसुन मिर्चा डाल के। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं बनाने वाले हैं, इसको हम लोग भुजिया बनाएंगे। देख सकते हैं टमाटर, आलू और नीम का पत्ता है। आप लोग हमारे साथ ऐसे ही वीडियो में बने रहें और अंत तक जरूर देखें कि कैसा बनता है और इसे क्या हो रहा है पता नहीं। ओके ओके बाय। देख सकते हैं फ्रेंड, शाम हो गया और हम लोग अभी चूल्हा जलाने जा रहे हैं। देखिए फ्रेंड, चूल्हा जल रहा है, बुलबुल बैठी है और शाम हो गया है, पूरा शाम होने जा रहा है। देखिए चूल्हा जला लेते हैं, प्लास्टिक की वजह से जल रहा है, अभी तुरंत ही बुझ जाएगा, इसको अच्छा से जला लेना पड़ेगा। लकड़ी छोटा लकड़ी नहीं है, इसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हो जाता है, जलता भी नहीं है अच्छा से। देख सकते हैं फ्रेंड, चूल्हा जल गया, कढ़ाई चढ़ा दिए हैं। देखिए इसमें पानी डाल कर रखा हुआ, देखिए चार लहसुन लेंगे, एक मिर्चा लेंगे अपना तीखा अनुसार, और देखिए तेल आप कोई भी तेल यूज कर सकते हैं, नमक, और अभी इसमें तेल डालना पड़ेगा। ला तो बुलबुल तेल को दो तो। मैं नहीं दूंगी। नहीं देगी तो खाएगी कैसे? लाओ जल्दी लाओ। मैं नहीं लाऊंगी। लाओ। नहीं। दो ना बेटा। नहीं। प्लीज बुलबुल। नहीं। देखिए फ्रेंड, हम तेल डाल दिए हैं, तेल पूरा गर्म हो चुका है, इसमें डाल देते हैं देखिए काटा हुआ लहसुन मिर्चा। शाम हो रहा है, लाइट भी नहीं है, देखिए अब इसको थोड़ा बनने दे लेते हैं। हटो बुलबुल, छीटा पड़ेगा। तब तक इसे पानी से निकाल लेते हैं। ऐसा इसको सिर्फ थोड़ा दो चार पत्ता रहता है नाम के लिए, उसी में ये काफ़ी है, क्योंकि इतना ही में बहुत असर कर जाता है, ये सब्जी भी बन जाता है और इसका विटामिन भी मिल जाता है, ज़्यादा डालने से ज़्यादा कड़वा हो जाएगा, फिर खा नहीं पाएंगे, इसके वजह से इतना काफ़ी है। देखिए लहसुन भी मेरा उधर लाल हो चुका है, तो पूरा धीरे धीरे आँच में इसको भूंजना है, ज़्यादा आँच में इसको भूंजेंगे तो ये जल जाएगा, पकेगा नहीं। देख सकते हैं, देखिए अब यहाँ दो चार पत्ती है, उसको मैं निकाल लेती हूँ। देखिए फ्रेंड, इसमें मैंने नमक डाल दिया है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, अपना स्वाद अनुसार नमक मैं डाल दी हूँ, और इसे अच्छे से हल्के आँच में इसको भून लेंगे आलू को सीझने तक, और ये पत्ता पूरा अच्छी तरह से भुना जाए तब तक। देख सकते हैं बहुत अच्छा बन रहा है, देखिए इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और ये थाली को ढक देंगे ताकि वो अच्छे से धीरे धीरे आँच में पक जाए और आलू अच्छी तरह से पक जाए। देखिए फ्रेंड्स, थाली ढके थे, थाली उघाड़ दी है और देखिए ये पूरी अच्छी तरह से भुना चुका है, देखिए बहुत अच्छा बना है। अब ऐसा बनाने से ये बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगता है, जितना लगता है उतना नहीं लगता है। अब नीम का पत्ता है तो थोड़ा तो कड़वा लगेगा, इसमें कोई दुमत नहीं है कि कड़वा ना नहीं लगेगा,
करेला का आप कितना भी अच्छी तरह से बना ले, करेला है तो कड़वा तो लगेगा ना, इसी तरह ये भी थोड़ा कड़वा लगेगा लेकिन अच्छा लगेगा खाने में, मुंह साफ लग जाएगा इसको खाने से, एकदम अच्छा लगेगा, फ्रेश लगेगा। देखिए ये बन चुका है, अब जा रहे हैं हम दाल भात चढ़ाएंगे, उसके बाद में आप लोग को दिखाते हैं, खा के बताएंगे कैसा बना है। और देखिए मेरा बेटी क्या कर रही है, सब सामान को गिरा पड़ा रही है, ऐसा नहीं करो टूट जाएगा। देख सकते हैं फ्रेंड हमारा नीम पत्ता का भुजिया और आलू दाल भात बनके तैयार है। देखिए बुलबुल खा रही है, बुलबुल चलो उठ के खाओ, उठो 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 उठ के खाओ और चख के बताओ ये नीम का पत्ता का सब्जी कैसा बना है। भुजिया देखिए दोस्तों बहुत ही टेस्टी दिख रहा है, लाइट कम है इसके वजह से उतना क्लीन नहीं आ रहा है, पर बहुत अच्छा दिख रहा है। देखिए अब दाल मैंने आज तड़का लगा के बनाए हैं, दाल भी बहुत अच्छा है। लो बुलबुल चख के बता तो, उठो उठो उठो। देखिए फ्रेंड हम लोग बिस्तर लगा लिए हैं, बहुत गर्मी लग रहा है, उठो नहीं। खाना नहीं खाना है नहीं। कोई बात नहीं मैं चख के बताती हूँ। यम्मी, लो 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 लो, रात में नहीं खाएगी ना तो बिल्ली आके ले जाएगा, उठो उठो चलो उठ के खाते हैं, बैठ के खाते हैं ठीक है। देखिए फ्रेंड मैं ये वाला खा के बताती हूँ कैसा लग रहा है। मस्त लग रहा है, एकदम कड़वा कड़वा मुंह एकदम पूरा फ्रेश हो गया एक ही आलू में। ये नहीं खा रहे दोस्तों, देखिए बहुत अच्छा बना है। आप लोग भी अगर बनाना चाहते हैं तो इसी तरह बना सकते हैं, कड़वा लगेगा लेकिन इसे खाने से सेहत अच्छा रहता है, साल में एक बार खाना चाहिए, क्योंकि हम लोग नीम पत्ता का सेवन बहुत कम करते हैं और बाकी सभी चीज़ों का सेवन अच्छे करते हैं, लेकिन यह भी ज़रूरी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अंत तक एक बार देखिए इसको कैसा लगा। कैसा लगा, तीखा लगा, खा जाओ खा जाओ। ये नहीं खाएगी, इससे नहीं होगा, इसे तो मैं ही खाऊंगी आलू को, इसे दाल भात खिला देती हूँ। देखिए मेरा खाना बन गया है, मैं बाहर बनाई हूँ और इसे तो जीभ को ये पानी पीना है।